पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं प्रोफेसर प्रकाश चंद्र अग्रवाल, प्रिंसिपल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RI रीजनल कॉलेज भुवनेश्वर। हमारी इंस्टीट्यूट को एंकर इंस्टीट्यूट बनाया G20 जनभागीदारी एक्टिविटीज़ के लिए, और 1 अप्रैल से हमने एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं। आज 15वां दिन है, आज 15वीं एक्टिविटी है। आज की एक्टिविटी है G20 मॉप। हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट के और स्कूल के 19 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनकर किन इश्यूज़ पे G20 वाले डेलीगेट्स बात करेंगे, उस तरह के इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, और क्या वहाँ पर खासियत उस कंट्री में और क्या कमियाँ हैं, और इंटरनेशनल फोरम G20 म्यूचुअली कैसे मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, इस इशू पर आज हमारा G20 मॉक एक्टिविटी चल रही है। इसमें 20 बच्चे हैं मैडम, 19 बच्चे 19 कंट्रीज को और एक बच्चा यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 बच्चे हैं, वो डिफरेंट इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं आपस में। ये करीब 1.5 घंटे की एक्टिविटी चलेगी। बच्चे इसमें तैयारी करके हैं, और जिस तरह से G20 होने वाला है उसके एक तरह से रिहर्सल वो यहाँ एक तरह से दिखा रहे हैं बच्चों। मैं यहाँ का छात्र हूँ। बीते दिनों में G20 का प्रतिनिधित्व जो है वो करने का मौका हमारे संस्थान को मिला है, और इसके अंतर्गत ढेर सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, और पिछले दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें संस्कृति और परंपरा कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं इनके बारे में जानकारी दी गई। और इसके बारे में लिखते हुए एक जगह TS Eliot कहती हैं कि जो संस्कृति है और जो परंपरा है वो हमारे दो पांव की तरह है, एक अगर आधुनिक है तो दूसरा प्राचीन है, तो हम प्राचीन के साथ आधुनिक का समन्वय कैसे करें, इन चीज़ों को यहाँ पर देखने को मिला, और अपनी संस्कृति को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर मॉक G20 का आयोजन किया गया जिसमें कि विभिन्न जो छात्र हैं उन सभी मिल करके कैसे इनका कार्यप्रणाली चलती है और कैसे जो सामाजिक मुद्दों को रखा जाता है इस पर विस्तार से चर्चा की गई।